ये अपने पे पैसा बहुत हो रखा है। मैं यहाँ कनाडा में घर लेने की सोच रहा हूँ, तो कई दिनों की, सालों की, महीनों की वीडियोस का मिश्रण है। तो इसमें अब गाली मत लिखना कमेंट में, या ये मत लिखना इतनी बोरिंग जिंदगी है कनाडा में, एक महीने की लाइफ एक दिन में दिखा दी। अभी सोच रहे हैं हलवा बनाते हैं, जिंदगी का तो बना पड़ा है हलवा, वैसे भी बना लेते हैं हलवा। बाकी इधर हमने खर्चा कर दिया था जिंदगी में, पहली बार कनाडा की एक टी शर्ट ली थी। वेलकम टू द एक और पानी का व्लॉग गाइस। आज की जर्नी दिखाएंगे हम, अपनी डिशेस के साथ। ब्रेकफास्ट हो गया है गाइस शुरू, दिन के 12:30 बजे, तो 11:30 उठते हैं। एक घंटा हमने उठने में लगा दिया खाने पीने में। अब करेंगे मैच की तैयारी। और ये है हमारी स्पेशल सिक्योरिटी की सीट, हमने घर में सिक्योरिटी रखी है, तो वो सिक्योरिटी यहीं बैठा करेगी। भाई मैं कहाँ जाके मरूँ, किस नदी में जाके कूदूँ? खाना खा के फिर सो गया। मेरे सिर पे मैथ का टेस्ट रखा है, टेस्ट यहाँ पे, पर कोई परवाह ही नहीं है, फिर भी सो रहा हूँ। चलो अब पढ़ते हैं। वेलकम टू द एक और व्लॉग गाइस। तो मैं ये घर छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ, निकल चुका हूँ, ये घर छोड़ दिया मैंने। ये देखो, तो मैं यकीन नहीं हो रहा, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना नाम खराब कर दिया कुछ गलतियाँ करके। तो अब बस मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं मूव हो रहा हूँ मिसिसागा। तो अब से व्लॉग आएंगे मिसिसागा के। अभी कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज के बाद सीधा निकल जाऊँगा अपने नए घर में। तो मिलते हैं फिर बाद में, बाय बाय। तो गाइस घूमते घूमाते मैं बर्लिंगटन तक तो आ चुका हूँ, मतलब मैं बर्लिंगटन तक घर छोड़ आया हूँ। अब इसके बाद थोड़ी आगे और जाना है, फिर मिलते हैं। वैसे देखा जाए ना, ये गोरो ने अपनी इंग्लिश खुद भी गाड़ी हुई है। अब तुम ही बताओ इसे पढ़ के कि तुम इसे क्या बोलोगे, एप्पल बाय बोलोगे ना, एप्पल बाय, एप्पल बाय बी वाई है ना, बट ये पता क्या बोलते हैं इसे, एप्पल बी। बी कहाँ से है, आई कहाँ है भाई इसमें, बाय है, बाय बाय एप्पल बी। तो भाई घूमते घुमाते आ गए हैं कॉलेज के पास, अपना बैग लेके। थोड़ी सी आगे जाके कॉलेज है, थोड़ी सी आगे जाके कॉलेज है। तो आज मैं बता ही देता हूँ, आज क्या भी बता देता हूँ कि ये मैं क्यों लाया हूँ अपने साथ। तो हमारा जो कॉलेज है जॉर्ज ब्राउन, ये फ्री में फूड प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। पता नहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को करता है, डोमेस्टिक को भी करता है, जिसमें कि इसमें हमें मंथली फ्री फूड मिलता है। तो कहने का तो एक मंथ के लिए होता है, पर वो चलता नहीं है, एक महीना तो उसमें होता है, सब कुछ होता है। देखते हैं अब जो जो मिलेगा तो मैं बता दूंगा मैं। तो चलो बाकी बने रहो वीडियो में, दिखाते हैं क्या मिलेगा। बैग बड़ा भारी है और शर्म भी आ रही है, मैं लेके इतना बड़ा बैग आ गया हूँ। ये देखो भाई, जॉर्ज ब्राउन से मिले बड़े बड़े अंडे, साइज देखो कितना बड़ा, और इधर सामग्री तैयार हो रही है अंडे बनाने के लिए। तो खड़े हैं भाई 19 मैनचेस्टर एवेन्यू के बाहर। दोस्त आ रहा है अभी, तो वो कह रहा है डोर डैश या स्किप द डिशेस करने चाहेंगे, करने जा रहे हैं। तो वो लेके आ रहा है अपनी गाड़ी, तो वो आ गया, देखो वो आ रही है ना गाड़ी जलती हुई। तो अब जा रहे हैं फिर डोर डैश करने, मिलते हैं फिर गाइस बाद। ये देखो भाई, जैसा कि तुमने सुना ही होगा कि घर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो यहाँ पे तो बाहर रख देते हैं उसे। अब अगर जैसे मुझे ये फ्रिज चाहिए होगा तो इसे मैं उठा के अपने घर में रख सकता हूँ। तो ये फ़ायदा है कनाडा में कि कोई भी, जैसे घर में तुम्हारी चीज़ ख़राब है उसे बाहर रख दो, कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। और यहाँ कोई शर्म नहीं है कि किसी का ऐसे सामान उठा रहे हैं हम, बाहर रखा है ये वो, कोई भी उठा सकता है जिसका मन करता है। यहाँ गोरे खुद उठाते हैं, जैसे किसी को मैट्रेसेस चाहिए होता है, मैट्रेस चाहिए होता है, तो अगर किसी के घर के बाहर पड़ा तो उठा के अपने घर में रख लो, उस पर सो पियो खाओ ऐश करो। कनाडा में भी नाले भरते हैं भाई, देख लो कनाडा की बारिश। लो भाई फाइनली फीस हो चुकी है डन, ये कर दिया सबमिट मैंने, तो अकाउंट हो चुका है खाली फाइनल। तो कंग्रेचुलेशन कर दो गाइस, मैंने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भर दी। तो भाई अपना पार्सल आ चुका है, लेने जा रहे हैं, तो चलते हैं आगे। अरे ये तो यहीं पड़ा है, वैसे मैंने पहले भी देख लिया था, तो मैंने दोबारा रखा है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। वेलकम बैक टू द एक और व्लॉग गाइस आफ्टर एजेस। तो कई सालों के बाद हम व्लॉगिंग में वापस आ चुके हैं, सोचते हैं आप वीडियो बनाएंगे। तो हमने H&M से ये दिल्ली ऑर्डर किया था कुछ प्रोडक्ट, अपनी टी शर्ट ऑर्डर की थी जिसे आने में लग गई सदियाँ। तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है भाई, ये साइज़ एक नंबर छोटा आ गया, तो अब इसे एक्सचेंज करने में लग जाएंगे पता नहीं सदियाँ। तो मेरे को डाल के भी जाना है सैटरडे को, देखते हैं अब क्या होता है। तो भाई H&M को फ़ोन करके कंफर्म कर लिया, इसे यहाँ पे इन पर्सन जाके स्टोर में चेंज करा के आ सकता हूँ मैं, जो अपने यही सेंट कैथरीन में स्टोर है H&M के। तो मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, तो मैंने किसी से फ़ोन करवाया था और H&M वालों से पता कर लिया है कि हम इसे बदल सकते हैं, तो अब ये बदल दी जाएगी। तो चलो इसे कमरे में रख देते हैं, कल टाइम है अपने पास, पता नहीं कल स्टोर में मिलेगी नहीं मिलेगी। भूतिया शक्लों के साथ एक और व्लॉग में स्वागत है गाइस, वेलकम टू द व्लॉगिंग सेशन आफ्टर एजिस। बहुत समय हो गया है व्लॉगिंग ना किए, तो अभी बज गए हैं दोपहर के 1,
और जैसा कि चल रहा है छुट्टियों का सीज़न, एक हफ्ते का इंटरसेशन वीक चल रहा है, तो आज हमें सिर्फ काम पे जाना है। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको आज का व्लॉग। तो भाई हमारे दिन का सबसे पहला काम पंखे का स्विच बंद करना ताकि हवा ना आए। तो हमारे दिन का पहला काम स्टार्ट हो चुका है पैराफ्रेजिंग से। तो ये मेरे एक दोस्त का आर्टिकल है, तो वो साला आलसी है, उसके लिए मेरे को ये पैराफ्रेज करना पड़ रहा है। तो बहुत कष्ट है ज़िंदगी में। इधर हमारा एज़ यूजुअल गंद पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है बताने के लिए। बाकी इधर जानवर सोते हैं, इधर इंसान सोते हैं। ओ नहीं नहीं अभी इंसान नहीं, अभी जानवर ही सोते हैं यहाँ। तो बाकी ऐसा दिखता है हमारा कमरा जो तुम बड़े दिनों बाद देख रहे हो, और मेरी आवाज़ हो रखी है नशेड़ी हो जैसी, क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ अभी, ना मूड होया। सबसे पहले ये काम ख़त्म करके उसे भेजता हूँ, फिर आगे का शो दिखाते हैं गाइस, जुड़े रहो। चलो भाई कमरे की थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं ताकि हम भी इंसान लगे। ये अपने पे पैसा बहुत हो रखा है, मैं यहाँ कैनेडा में घर लेने की सोच रहा हूँ, तो इसलिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी 1.5 मिलियन तो हो गया, 1.5 मिलियन और करना, 3 मिलियन का घर सोच रहा हूँ खरीदने की। बाकी इधर हमने खर्चा कर दिया था ज़िंदगी में, पहली बार कैनेडा की एक टी शर्ट ली थी जो कि ज़्यादा लंबी निकली। हम वंडरलैंड भी गए थे गाइस, जिसका मैं व्लॉग बनाना भूल गया, भूल नहीं गया, दिमाग में था मेरे, पर मैंने व्लॉगिंग छोड़ी हुई थी जैसा कि। तो अब बैक ऑन ट्रैक आ गए हैं, कोशिश करेंगे कि बैक ऑन ट्रैक रहे, और इसीलिए हम वंडरलैंड जाके आ चुके हैं कैनेडा में। देख लो भाई कितनी तरक्की कर चुके हैं हम, वंडरलैंड जाके आ चुके हैं। तो अब इसमें से ये, अब जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं गिव अवे करूँगा कैनेडियन सिक्कों का। एक एक बंदे के घर में एक एक सिक्का पहुंचाया जाएगा, वो बेशक इंडिया रहता हो जहाँ मर्जी रहता हो। तो गाइस मॉर्निंग सेशन चल रहा है, 2 बजे दोपहर के हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट, विद हमारे टाइगर के बिस्किट्स और हमारी मूंग दाल वाली नमकीन, और इधर लवली सॉन्ग सुने जा रहे हैं। तो आगे की जर्नी में बने रहिए, दिखाते रहेंगे आपको अपने हमने उधर अपना कमरा साफ सुथरा कर दिया लैपटॉप में, तो रिकॉर्डिंग सिर्फ इतनी हो पाई है गाइस। उधर से मैं उठ के इधर सो गया था, और फिर मैं नहाया धोया और अब सीधा इस फ्रेम में मिल रहा हूँ तुम्हें। तो आगे शक्ल दिखाने लायक होने रखी अब व्लॉग में, पर बने रहो। तो अभी चलते हैं काम पे, तो तुम्हें रास्ते का व्यू दिखा। ये पड़े हैं हमारे क्लोथ्स, कपड़े यानी कि जिन्हें हमें रखना, और इधर देखो इंसानों की तरह ऐसे रहते हैं ये। 1.5 मिलियन इधर पड़े हैं पैसे, और चलो चलते हैं फिर, चप्पलों में ही चले जाएंगे आज काम पे, देखी जाएगी। वेलकम बैक टू द एक और व्लॉग गाइस। तो दिन दिहाड़े आज है अपनी छुट्टी, तो पर्दे वगैरह खोल लिए ताकि कमरे से जो बदबूदार यंत्र हैं वो निकल जाएं और कुछ खुशबू आए। क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो यार ये बकवास छोड़ो, मेरी दवाई लेने का टाइम हो गया गाइस, तो दवाई लेते हैं। ये मैंने पहले ही फाड़ के रख ली थी, एक सेकंड दो मुझे। तो दवाई लेने का टाइम हो गया, दवाई ले लेता हूँ ताकि मेरा शरीर सही चलता रहे। बिन ना है शक्लें ऐसी दिखती हैं, उधर हमारा पड़ा है खजाना, कपड़े ही कपड़े। दवाई खा रहा हूँ मैं ताकि मेरा शरीर सही चलता रहे। अभी सोच रहे हैं हलवा बनाते हैं, ज़िंदगी का तो बना पड़ा है हलवा, वैसे भी बना लेते हैं हलवा, तो आज बनाएंगे येलो हलवा। तो मेरे को 2 मिनट दो, मैं यूट्यूब पर रेसिपी देख लूँ, क्योंकि मैं वुमेन नहीं हूँ ना, मेरे को रेसिपी देखनी पड़ेगी, रुको। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे चाहने वालों, व्लॉग आ रहा है आज फाइनली। तो ये ढेर सारी कई दिनों की, सालों की, महीनों की वीडियोस का मिश्रण है, जिसमें कि लगभग मुझे नहीं पता 2 हफ्ते 3 हफ्ते कितने हफ्तों की वीडियोस हैं। तो इसमें अब गाली मत लिखना कमेंट में, या ये मत लिखना इतनी बोरिंग ज़िंदगी है कनाडा में, 1 महीने की लाइफ 1 दिन में दिखा दी। तो बस भाई इतने दिन की वीडियो क्लिप्स पड़ी थी मैंने, जोड़ जोड़ के फेविकॉल से चिपका के बना दिया, अब देख लेना और इन्जॉय करो। रात के बज रहे हैं 1:46 बज रहे हैं, एडिट हो गई है, अभी एक्सपोर्ट करनी है, उसमें लगेगा 1 घंटा, फिर मैं कर रहा हूँ अपलोड। थैंक्स गाइस, बाय बाय।